तीन तीन की हम क्या गोलियां चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, यहाँ कर रहे हैं हम यहाँ ही तो जगह। मेरे को लग रहा था नाइट टाइम पे मैं स्टे किया हूँ यहाँ एक दिन और अगले भी दिन स्टे करने का प्लान है। मुझे लगा नहीं था भीड़ इतनी ज़्यादा भीड़ होगी भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। तीन तीन की हम क्या गोलियां चला रहे हैं यहाँ, क्या कर रहे हैं हम यहाँ, तस्करी कर रहे हैं हम, चला फिर मेरी बाइक की चला नाइट टाइम पे मैं स्टे किया हूँ यहाँ एक दिन और अगले भी दिन स्टे करने का प्लान है। मुझे लगा नहीं था भीड़ इतनी ज़्यादा भीड़ होगी भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। आप लोग सिर्फ देखो, अभी मेरा ईयरफोन जरा सा गिर गया तो बैकग्राउंड में वॉइस लगाने में मेरे को दिक्कत होगी, लेकिन जो भी है कोई ना कोई घूम गया। और साथ में ब्लॉग के बीच में आपको ये भी दिखाऊंगा पुलिस वाले की फिर से एक तरीके से लापरवाही वाला, कि वो बोल रहे हैं हमको राइट है कि चाबी हम बाइक से निकाल लें, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना ज़बरदस्ती की बहसबाजी। तो ये काफ़ी गलत चीज़ है जो कि मुझे गलत लगी और इसको रिकॉर्ड भी किया है मैंने, हालांकि बोलने का मुझे मौका मिला नहीं क्योंकि दोनों आपस में ही बहसबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं कुछ बोला ही नहीं, बीच में वीडियो बस बनाते रह गया। ये वही वाली बात हो गई भाई, पब्लिक आपस में लड़ रही है, लड़न दो, अपन को क्या, अपने को तो सिर्फ ब्लॉग बनाना है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं बोलता मैं खड़ा रहता बाइकर के लिए, हालांकि बाइकर तिरप्ती चल रहा था लेकिन यहाँ हर दूसरा बंदा चल रहा था, उसमें क्या है, सारी चीज़ें हैं यार, देख रहे हो हर जगह फोटोशूट, हर जगह कुछ ना कुछ। हिंदी नहीं मालूम है आपको, समझ होता है क्या? मैं समझा दूँ तो बाबा जी, ये जो हमारी मतलब कौन कौन सी संस्था और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं ये भंडारा कराने में, आप ये अगर बता सकें हमारे पब्लिक को, हमारी जनता को। तो ये श्री तत्वमसी विद्या वैद्य आध्यात्मिक सेवा संस्था, ये हैदराबाद से जी। मैं 12 पुष्कर चला गया, एक बार हो गया मेरा, किधर किधर क्या होना मेरे को मालूम है,
इसके लिए इधर में तेलुगु वाला को रहने वाला फूड इधर नहीं मिलता। तेलुगु वाला सब ये पुष्कर के लिए तेलुगु वाला सब आता है इधर को। इधर छोड़ रोटी चपाती मिलता है जी, चावल नहीं मिलता। इसके लिए मैं हैदराबाद से मैं समाज देते 40 मेंबर्स आया, वो आज ये बनाने के लिए महानंद आश्रम में ये सब फूड बना के इधर देखे। उधर अभी आज 1500 के लिए फूड आया, मैं सबका मतलब 1500 लोगों के लिए रोज खाना बनता है। हाँ। इसके लिए 1500 1500 आज पहला दिन है। हाँ, पहला दिन है। वाह, कल से 2000 पीपल का बना था। देखा ना कितना कितना चावल से कितना जी ऐसा बटर मिल्क भी देखा। लास्ट पुष्कर प्रणीता पुष्कर आंध्र में तेलंगाना में चल रहा है। कोरोना में भी डेली 1500 पीपल को पैक करके दिया। 41 डेज कोरोना 41 डेज पैक करके चावल अलगे करी अलगे करड़ अलगे ये बना के पैक करके ऐसा दिया। 41 डेज 50,000 पीपल को अन्नदान करा ये कोरोना में। ये सब किधर ये चाहिए तो उधर जाके वो पुष्कर में कंपलसरी सेवा कर। परमिशन लिया इसके लिए, टेंडर सब मेरा है, इसको परमिशन लिया, गवर्नमेंट से परमिशन लिया। नहीं, वो परमिशन मेरे को पता है, लेकिन इस लोकेशन को क्या कहते हैं, मतलब हर की पौड़ी है। हर की पौड़ी है सीसीआर स्टेशन है। सीसीआर के स्टेशन हैदराबाद से हार किनारा लगा लिया है, लोकल चैनल से हमें जुड़ा है। इससे सुमित शर्मा इनके सरकार से, इनका फैमिली के सरकार से ये सब बंडर सब चल रहा है। आप लोग हम लोग बेसिकली मैं रायपुर से हूँ और रायपुर छत्तीसगढ़। ये ब्लॉग अभी मतलब मैं केदारनाथ ब्लॉग कंप्लीट कर लूँगा, फिर उसके बाद हमारे प्रॉपर ब्लॉग्स आएंगे, जो कि विदाउट मनी ट्रैवलिंग करने का ये है कि जब आपको प्रॉब्लम फेस होती है तब आप लोग को कौन हेल्प करता है, कैसे लोग हेल्प करते हैं। देखो हम लोग के जेब में अभी पैसे होते हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग इधर आते ही क्यों। हर जगह ही दुनिया है, हिंदुस्तान में आपको हर रूप मिलेगा। हाँ। जैसे उंगली होती है ना, बराबर नहीं होती है, कोई आदमी बराबर नहीं है, सारे रंग आपको यहाँ ट्रेवल में देखने को मिलेगा। इधर ऐसे करके उधर जा रहे थे, फिर मैं उसको याद दिलाया भाई उधर जा रहे हैं हम लोग वापस आ रहे थे और मेरे को भूख लगी थी तो चिड़चिड़ाहट हो रही थी। भी खाया नहीं था? हाँ, मैं खाया। मैं बोला मेरे को चिड़चिड़ाहट हो रही थी, मैं बोला मेरे को खाना चाहिए, तो सामने से एक बंदा ऐसे पतरी में लेके ऐसे जा रहा था तो ये बोलता है ये गंगा मैया का आशीर्वाद है। ये आप फील नहीं हो रहा आपको? ये गंगा मैया का आशीर्वाद, हमें उन्होंने तो यहाँ खड़ा कर रखा है, उनके ही कार्य कर रहे हैं। हम कौन है? माध्यम ही तो है, पोस्टमैन है, उनकी पड़ी हुई चिट्ठी दी हुई चिट्ठी आप तक पहुँचाने पोस्टमैन। फिर उसके बाद ये क्या बोलता है मेरे को, अब भाई वो आदमी जा रहा है उसी से मांग ले और खा ले ऐसी बोला। मैं बोला ठीक है, मैं बोला भैया मुझे भी खिला दो। बोलते वो देखो भंडारा तो बट रहा है। मैं फिर उसके बाद इधर आया, और भी कोई मिले तो उसको बताना भैया सर भंडारा है, 12-15 दिन चलेगा, ठीक है ना। सब हर साल या फिर हर महीने हर साल होता है, लेकिन अलग अलग जगह इस साल हरिद्वार को, अगली बार हो सकता है ये आंध्र में हो। अच्छा, चलिए ठीक है, आप सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिल से खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। हाँ मैं नाम हरियाणा दीदे।